जागो, हमने आपसे वादा किया था कि हमारी टीम द्वारा आपके परिसर में आकर आपके वार्डों से संबंधित समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर आपकी समस्याओं का निराकरण करने का सिटी न्यूज पूरा पूरा प्रयास करेगा और हम ये प्रयास कर भी रहे हैं। हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं आपके वार्ड तक। नगर सेवक सारे नगर सेवक है, बायकांना समोर करतात, रोड बँक तयार करतात। आमदार आम्हाला असा आमदार पाहिजेच नाही। 10 वर्षापासून कोण्या आमदारांना कोण्या खासदारांना जो खाईल तो खाली पाहिजे, जो खाणार नाही तो ठणकावून बोलणार आहे। तो नगरसेवक असो, आमदार असो, खासदार असो, कोणी असो, आम्हाला फक्त वार्डातले काम पाहिजे। सबसे पहले सिटी जर्नल ने जो मोहीम चालू किया है लोगों के समस्याओं के लिए, इसका मैं सिटी चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और सिटी चैनल के माध्यम से पिछले बार हमने आम सभा के कुछ दृश्य देखा था, वहाँ पे जो 81 नगर सेवक थे वो लोगों के समस्या पे तो किसी ने बोला नहीं, वो आपस में झगड़े लड़ने में ही मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये वहाँ पे झगड़े करने के लिए गए हैं क्या। वो 81 के 81 जो बैठे थे वो सिर्फ आपस में झगड़े कर रहे थे, समस्या का तो एक भी शब्द नहीं। घरून तो करावच नाही लागत ना, घरून पैसा लावा लागत, बाकी नाही नुसतं तिथे म्हणजे गोंधळ घालणे। आम सभेत हे कार्यक्रम मराठो काय, ते काम बंद केले पाहिजे आणि कामाकडे लक्ष दिले पाहिजे लोकांच्या। समज में आता की झालं, आपण नेमकी जनप्रतिनिधी निवडून तुमचे दिए ये गुंडे बदमाश वापस भेजे। हमारा महिला विकास करो, उसके बाद में तुमने साड़ी बेचना क्या बेचना, हमारे बाल बच्चे सक्षम है बोलना। तो आप भी हो जाइए तैयार और खुलकर बताइए अपने वार्डों की समस्याओं को। तो देखिए हमारा ये कार्यक्रम जागो मतदाता जागो। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल के चुनावी चौसर में पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले पूर्व विश्लेषण में आपने देखा कि गठबंधन की स्थिति अमरावती में क्या हो सकती। पिछले एपिसोड में हमने आमदार जगदीश गुप्ता के ऊपर चर्चा की थी कि उनका भविष्य इस चुनाव के बाद क्या रहेगा। तो जैसा कि उन्होंने खुद ने आत्ममंथन किया और उनके ही शब्द है कि मैं भाजपा हूं, आज भी वह भाजपा में जाने को लगता है, मन से आतुर है, क्योंकि बिना भाजपा के उनकी पहचान नहीं, ऐसा उन्हें लगा है। और हाल ही में डॉक्टर शिंगोरे ने भी ही उनसे कहा कि भाजपा के अंदर ही उनकी जो थी पहचान थी, भाजपा के बाहर में कुछ भी नहीं है। ऐसा सारे अभी जितना अभी अमरावती में वातावरण चल रहा है उससे लगता है कि यहाँ पर अभी जगदीश गुप्ता अकेले पड़ रहे हैं बिना भाजपा के। और गठबंधन का जहां तक सवाल है, हमने एक संभावना यह भी जताई थी जगदीश गुप्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस और सुनील दुष्ट में शायद एक हो सकता है, ऐसी हमारी संभावना थी। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी परिस्थितियां अभी चेंज हुई भी दिखती है अमरावती शहर में। जहां तक बडनेरा के विधायक राणा जी का सवाल है, उन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही लड़ूंगा, लेकिन कुछ संभावनाएं उनकी भी दिख रही है गठबंधन की। और एक बात हमने बताई थी कि राका और कांग्रेस का वापस गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अभी परिस्थितियां कुछ वापस बदली भी है। फिलहाल की परिस्थिति में हमें राका और कांग्रेस का गठबंधन होते हुए दिख रहा है। हमारे साथ में विशेषज्ञ माधव पांडे ने बताया कि राका और कांग्रेस के गठबंधन की कितनी संभावना है, क्या संभावना है, हम जो देखना चाह रहे हैं वापस पुनः पिछली बार जैसा राका और ये एक होकर लड़ेगी, क्या लगता है माधव जी? अभी जो हमने पिछली बार सारी चर्चाएं की थी, थोड़ा सा अमरावती का वापस माहौल कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है हमें सबके। कुछ अभी फिलहाल में सुनील देशमुख ने अध्यक्ष महाराज का अभी जन्मदिन मनाया है, उस जन्मदिन से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चुनाव का बिगुल वापस फूंक दिया है। लेकिन बहुत सारा जितना आधार जनता के बीच हमें दिख रहा था उनका, अभी थोड़ा सा कमजोर नजर आया। आपको क्या लगता है, वापस इनके गठबंधन राका और राव साहब का गठबंधन वापस हो सकता है? इस संभावना पर कैसी क्या बताएंगे? दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से हैं। मैंने पिछले बार भी बताया था कि मुंबई की महानगर पालिका में जो अभी वहां पे जो गणित बनाया जा रहा है उसमें भी कांग्रेस अब राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ नहीं है।
फिर भी कई जगह ऐसे, अभी नगर परिषद के अंदर भी आप देखेंगे और जिला परिषद के अंदर भी देखेंगे, तो अभी फिलहाल नगर परिषद के इलेक्शन चल रहे हैं, तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये दोनों भी पक्ष कई जगह साथ है और कई जगह साथ में नहीं है। अभी भी पृथ्वीराज चौहान जी का अभी एक साल पूरा हो रहा है और अभी उन्होंने बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ मंत्री तो अपनी जहांगीर समझते अपने मंत्री पद को, उनका इशारा राष्ट्रवादी के नेताओं पर शायद हो, ऐसा मीडिया का एक कहना है। तो ऊपर से भी कुछ अच्छे हाल नहीं है। फिर भी अमरावती महानगरपालिका की स्थिति देखी जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस अभी अंदर तो साथ में है और हल्ला जो बोल रहा है वो रवि कुमार राणा ने जो हल्ला बोला है अभी तक वो राष्ट्रवादी भी कहा है। और सुनील देशमुख अभी शेखावत साहब के इसमें आप देख रहे हैं कि अपोज में है, तो देखा जाए तो थोड़ा ऐसा अंदाज आ रहा है अभी जो बातें चल रही है और पॉलिटिकल सिस्टम रोज बदल रही है, सिचुएशन में बहुत बदलाव आ रहा है, खोड़के साहब और शेखावत साहब साथ में आ सकते हैं। हाँ, उसको इन्हें कारण भी मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे रवि का भी बहुत ज्यादा अटैक चल रहा है सब तरफ से, ऐसा खोड़के जी को लग रहा है कि कहीं राणा जी हावी नहीं हो जाए। हाँ। तो इसलिए वह साथी की तलाश में पिछली बार हमने संभावना दिखाई थी जगदीश गुप्ता की, सुनील देशमुख की। हाँ। सुनील देशमुख, जगदीश गुप्ता और खोड़के एक हो सकते, ऐसी हमने संभावना की थी क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि राव साहब का और राणा जी का गठबंधन हो सकता है। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल राणा जी ने कहा कि मैं किसी के साथ गठबंधन करूंगा नहीं और अपना आक्रामक रवैया उन्होंने अभी अपनाना चालू कर दिया, मतदार क्षेत्र में बहुत ताकत से घूमना चालू कर दिया उन्होंने, पूरे अमरावती शहर में घूमना चालू कर रहा है, ऐसा लग रहा कि शायद वे पूरी सीटें खड़ी कर देंगे, ऐसा लग रहा था। तो वो प्रभाव बढ़ते हुए देखते शायद फिर राष्ट्रवादी को लगा कि नहीं, अपने साथ में कांग्रेस को ही अपने, क्योंकि कैसा है कांग्रेस की अभी सीधी सीधी यानी दुश्मनी बोलो या टक्कर बोलो सुनील देशमुख से होनी है। बिल्कुल बराबर, राष्ट्रवादी की संजय खोड़के की टक्कर सीधी सीधी रवि राणा से हो रही, तो ये इधर इनके दो दुश्मन रवि राणा और सुनील देशमुख। बिल्कुल सही, बराबर। और सुनील देशमुख का कट्टर खोड़के साहब और राव साहब का कट्टर सुनील देशमुख, ये दोनों सिचुएशन दुश्मन के दुश्मन दोस्त, ऐसी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस और इधर भाजप शिवसेना का तो कह रही, उनका तो गठबंधन में कहीं हमारा अभी डिस्प्यूट नहीं, एक गठबंधन तो तय है अमरावती का, इसका भाजपा शिवसेना भीम शक्ति ये गठबंधन तय है, इसके बारे में हमारी पहले भी चर्चा होगी और इसमें कोई विशेष अभी बदलाव नहीं आया, परिस्थितियां बदल रही है चार लोगों के बीच में, ये चार में से कौन दो दोस्त बनेंगे कौन दो दुश्मन बनेंगे। पिछले बार हमने जब चर्चा की थी तब मैं बता रहा था कि गुप्ता साहब जो मीडिया के माध्यम से जनता में आना चाहते थे और जिस वक्त ऐसे माहौल था कि वो अपनी शक्ति दिखाए, उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया कि मैं भाजपा का हूँ, उससे भी उनकी जो वैल्यूएशन थी पॉलिटिकल वैल्यूएशन वो कम हो गई है, उनका आधार घटता हुआ दिख रहा है सब, मीडिया वालों को भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है, इनको ऐसा बोलने का कारण क्यों कि मैं भाजपा ही हूँ। जहां तक प्रदीप सिंगोरी की बात थी कि वो तो उतने सक्षम लीडर नहीं है लोगों के हिसाब से, फिर भी उन्होंने ये मान लिया कि मैं अकेला लीडर नहीं हूँ बीजेपी का, ये सब जो है मेरे साथ वो सब मिला के हम लीडर है, चलेगा। फिर भी ये जगदीश गुप्ता की ये स्टेटमेंट से कि मैं भाजपा ही हूँ, जो भाजपा के अंदर उनका एक डर था कि नहीं जगदीश गुप्ता क्या करेगा ये बोल के उन्होंने उनका डर निकाल दिया, ये ज्यादा मजबूत हो गए भाजपा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक क्लियर बात हो गई है कि यदि भाजपा के खिलाफ वो काम करते हैं कल तो वो तो खत्म ही होंगे, उनका कोई अलग जनाधार की जो बात सुनील देशमुख कर रहे हैं कि वे रवि राणा कर रहे हैं, किसी पक्ष से जुड़े हुए नहीं अभी फिलहाल, फिर भी उनका खुद का जनाधार है, लेकिन ये चांस गुप्ता जी को था, उन्होंने क्यों मिस किया आई डोंट नो, कि ये लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने ये ऐसे वक्त पे ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जब वो लोग ऐसा चाहते थे कि नहीं गुप्ता जी की खुद की वोट बैंक है, वो 10 सीट ऐसे लाएंगे, वो जो चमत्कारिक भाषा थी उसी को देख के तो हमने ये तय किया था कि सुनील, मैंने ऐसा सोचा था कि सुनील देशमुख, जगदीश गुप्ता और खोड़के एक हो सकता है, नया समीकरण बन सके, ये मेजोरिटी की तरफ जा सकता, लेकिन कमजोर खिलाड़ी इसमें जगदीश जी निकल गए। मुझे तो इस बात का बहुत आश्चर्य है और बहुत इस बात से लेकर सदमे होंगे उनके कुछ जो समर्थक होंगे कि भाई इस वक्त ऐसा स्टेटमेंट देने की वैसी आवश्यकता नहीं थी, जैसे उनका विजनवास जो था 2-3 साल का वो उतना आवश्यक नहीं था जो राजकीय क्षेत्र में देखा जाए, तो आज भी उन्होंने जो इंटरव्यू किए है मीडिया के साथ वो भी ओपनली नहीं किए, कुछ लोगों से बात की, वो भी उनका स्टैंड यदि ओपन करना था तो क्लियर करना था, फिर भी कुछ लोगों से उन्होंने बात की, उसके बाद देखा गया
कि उनकी स्टेटमेंट को मीडिया ने जिस ढंग से लिया है उससे तो उनकी शक्ति कम हो गई है, बड़ी नहीं। शिंगोरे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उनका वार शिंगोरे जी का कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए था, फिर राष्ट्रवादी के खिलाफ होना चाहिए था, उनका वार है गुप्ता जी के खिलाफ। ऐसी हो रहा ना, पक्ष का पक्ष में भाजपा का वार चालू है अभी, जगदीश गुप्ता पे कांग्रेस वालों का रहेगा अभी, सुनील पे, और खैर बडनेरा में तो परिस्थिति अलग है, बडनेरा में अस्तित्व की लड़ाई होने वाली इस बार, क्योंकि रवि राणा भी कहीं ऐसा कमजोर हो जाए मुझे ऐसा लगता नहीं है, और खोड़के साहब भी पूरी ताकत लगा, क्योंकि खोड़के साहब को अपना अस्तित्व टिकाना है यहाँ पर अभी, यदि इस इलेक्शन में भी उनकी सीटें नहीं आ पाती तो शायद फिर राष्ट्रवादी का अमरावती में थोड़ा सा मुझे प्रभाव घटता हुआ दिखता है। अभी की फिलहाल की पोजीशन में तो राष्ट्रवादी के साथ में कांग्रेस से हाथ मिलाने के अलावा मुझे पर्याय दिखता नहीं है अभी यहाँ पे। मुझे भी वही लग रहा है कि देखिए ना, अड़सुर साहब रहे, शिंगोरे साहब रहे, या फिर राव साहब शेखावत खुद रहे, इनकी उतनी वो पोजीशन नहीं है, कम ज्यादा होती है सीटें, सीटिंग में कोई बैठता है नहीं बैठता है, इससे उनको उतना फर्क नहीं होता है, उनके खुद के इमेज को भी उतना धक्का नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज जिसके सामने है वो है खोड़के साहब अभी और सुनील देशमुख, दो व्यक्ति होंगे कि सुनील देशमुख को बताना है कांग्रेस को कि मेरे पास पराजित उम्मीदवार पिछली बार क्या आपका ऐसा हुआ, पिछली बार दोनों जो पराजित हो गए थे ऐसे ऐसे, और सुनील देशमुख को बताना है कि मैं कांग्रेस से भारी हूँ और पक्ष से मैं भी भारी हूँ और मेरा खुद का कुछ वजह है, ये बात होगी। लेकिन खोड़के साहब के सामने तो बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राष्ट्रवादी में उनको अपने विदर्भ में उनका जो स्टैंड है वो अब सिद्ध करने के टाइम, क्योंकि रूलिंग में उनके महापौर है और यदि उनका मेयर है तो नेचुरली उनको फिर से आना है, लेकिन नहीं आ सकते, ऐसा इतना सहज नहीं होता, क्योंकि राणा बहुत ताकत से उतर गए हैं, जो अपेक्षा नहीं थी। अभी कुछ राणा जी और शेर के साथ गले मिलते हुए दिखे लोग, वो तो फोटोग्राफ मुझे बहुत आश्चर्य लगते हैं कि वो गले मिले रहे कि या फिर उनको फोटोजेनिक कुछ एटम कर दिया, फोटो गले मिले उसके फोटो लिया, कोई ट्रिक फोटोग्राफी नहीं है वो, ये दो मुंडी है चिपका दिया ऐसा, ओरिजिनल में गले मिले हैं, ओरिजिनल फोटो, लेकिन होना भी चाहिए कहीं ना कहीं ऐसा मेल मिलाप होना भी चाहिए, तो कम से कम कुछ ना कुछ मिलता रहता है। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि रवि राणा जी को जितने वोट मिले थे उसका कैलकुलेशन किया तो क्या अभी वो कम नहीं हुई है, आप देखिए। नहीं, मुझे भी ऐसा पिछली बार ऐसे लग रहा था कि जो रवि राणा का जो चुनाव था वो एंटी संजय खोड़के भी था, संजय खोड़के के जितने एंटी लोग थे सारे के सारे उस समय रवि राणा के साथ हो गए, यहाँ तक कि सेना भाजपा भी कई पक्ष इसमें, इवन कांग्रेस भी कई पक्ष में उसमें, तो मुझे लग रहा था कि ये वो वापस जाएंगे, लेकिन अभी वापस देख रहे हैं कि रवि राणा का प्रभाव जो वो उस टाइम इनको विरोध करने के लिए इनके साथ में, आज इनके साथ में बन गए वो। वही तो, राणा जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं अभी, जितने युवा शक्ति साथ में लेकर काम कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि खोड़के साहब अभी भी फाइट में आने के लिए उतने सक्षम नहीं बन रहे। राणा जी का आप बता रहे, आपने वापस एक बोला कि युवा शक्ति भी लिए, युवा शक्ति है इनके साथ में, एक आपको लगता है कि बहुत अनमेच्योर लोग है, अभी भी आज भी इनमें मेच्योरिटी की कमी आ रही है कि भाई इनकी अनमेच्योरिटी कहीं इनके लिए घातक ना बन जाए। लेकिन साहब मुझे बताइए आप कि चुनाव में जो चुनकर आता है उसको इनमेच्योर कैसे कहेंगे, 18,000 का वो गेन लेता है, नहीं, चाहे किसी भी ढंग से ले ले। इस बात से कि भाई चुनाव में अनमेच्योर, मैं बताया ना कि एंटी खोड़के बहुत सारी एक्टिविटी वहां पे काम कर गए उस समय, लेकिन वो उसको गेन करना भी कला है, चुनके आ गए, क्या होता कई बार एक चेहरा भाई ठीक है ना अनमेच्योर, लेकिन चेहरा तो बहुत प्यारा उनका, बहुत प्यारा चेहरे है। के भी बहुत सारे वोट है अभी साथ में, पीछे नवनीत राणा है, बिल्कुल दो चेहरे, चेहरे के वोट तो आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे पक्के, चेहरे को देख के अपने यहाँ चेहरे को देख के भीड़ आती ही आती है, ये अपने यहाँ का हमेशा का ये रहा है। नहीं वैसे कहे तो जब सुनील देशमुख पहली बार चुनकर आए थे उस वक्त भी उनकी युवा शक्ति जो उनके साथ थी आज भी है, आज हमें वो लीडर चाहिए जो रात को बहुत बड़े चुनाव की बातें करते हैं या फिर बहुत सेटिंग करते हैं, वैसे उम्मीदवार या फिर वैसे नेताओं का कुछ चलने वाला नहीं है ज्यादा, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे जो उतर के काम करेगा और उसका चेहरा उस युवा शक्ति को आकर्षित करेगा तो उसका बहुत बड़ा नहीं, ग्राउंड में उतर के काम करना है, इसमें नो डाउट के जितने अभी कार्यकर्ता राणा जी के साथ में उतने शायद किसी और के साथ में नहीं होंगे। यस, जहां तक चेहरे का सवाल है, चेहरे का आकर्षण तो काम करता ही है, आज भी बडनेरा मतदार संघ अमरावती में ऐसा है कि वहां खोड़के साहब ने भी हमेशा चेहरे लाके ही आकर्षित किया लोगों को, और राणा साहब भी चेहरे लाकर ही आकर्षित करे, आप पीछे इसमें आप साउथ को उदाहरण देख लीजिए ना, साउथ में जितने भी लीडर बने, जयललिता को ले लीजिए आप, बिल्कुल पॉपुलरिटी किस चीज की है, टी रामाराव ले लीजिए, पॉपुलरिटी किस चीज, रजनीकांत पॉपुलरिटी किस चीज की है,
बिल्कुल भाई, इनकी जो एक ग्लैमरस इनका था, हाँ। आज नवनीत राणा और रवि राणा निश्चित चेहरे के बहुत ज्यादा आकर्षण उनके चेहरे में है, उनको देखने भीड़ आती है, और भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने का जो पिछले भी आपको माना, भीड़ को यदि वोट में कन्वर्ट कर ले तो शायद ये जो मैं बता रहा था कि इनके पास में अनमेच्योर लोग ज्यादा है, वो यदि इसमें भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए तो शायद एक नंबर की पार्टी ये बन सकती है। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि चेहरे का चैलेंज खोड़के साहब किसी भी तरह से नहीं हटा सकते, ये बाहर की कितने भी फिल्मी दुनिया के लोग लगाए, लेकिन यहाँ तो फिल्मी दुनिया बैठी है ना। यस यस, आज भी दोनों के चेहरे कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं लोगों को। बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे बड़ी बात है कि एक पूरी इंडिया का आप ओवरऑल डिजाइन देखिए तो सबसे ज्यादा युवा है हमारे यहाँ है देश के अंदर, 70% युवा है। और बात तो साहब हर क्षेत्र में बदल गई है, क्योंकि अभी गाने से लेके सिनेमा तक सब युवा स्टाइल में आ रहा है। अब सिनेमा वो आखिरी दौर नया दौर नहीं चलेगा यहाँ पे, अब लोगों की सोच बदल गई है और जो युवा होते हैं वही वोटिंग को जाता है। वोटिंग का परसेंटेज देखे ना, अभी खड़कवासला में वोटिंग कितना हुआ था, बहुत कम वोटिंग में भी चुनकर आते लोग। और रावी राणा जिस ढंग